आपको पता है दुनिया की अगर सबसे पावरफुल चीज कुछ है ना तो वो कंसिस्टेंसी है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन द एंटायर वर्ल्ड टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो एक एवरेज इंसान को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस दे सकता है, राइट? जरूरी नहीं है कि आप जन्म से टैलेंटेड हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, जरूरी नहीं है कि आप ब्रिलियंट हैं, बट अगर आप अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो ना तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जरूर मिलना है, इस चीज की गारंटीड है, इस चीज की पक्का 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 गारंटीड है, ठीक है? आप सोचोगे सर मैं जाता हूं एक दिन में जिम जाकर, 3 दिन में जिम जाकर, 8-8 घंटे जिम में काम करके सिक्स पैक बना लूंगा, फिट हो जाऊंगा, तो नहीं होगा, राइट? आपका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा बट आप उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। बट आप कंसिस्टेंटली अगर 1 घंटा भी जिम जाओ और लगातार 1 साल तक जाओ तो आप देखोगे देर इज गोइंग टू बी ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन योर बॉडी, राइट? सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, अगर आप कंसिस्टेंटली जब आप 18 साल के हो जाते हो उसके बाद से हर महीने कंसिस्टेंटली अपने जीवन में कमिटमेंट ले लो कि मैं हर महीना सिर्फ 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में डालने वाला हूँ, सेव करने वाला हूँ, तो 1,000 रुपए करके जब आप डालोगे तो आप देखोगे एट द एज ऑफ 45 यू विल बी एबल टू प्लान योर रिटायरमेंट आउट, राइट? आपके पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा तो नहीं था, आपके पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी आप एट द एज ऑफ 45 और 50 अपने रिटायरमेंट भी शायद प्लान कर सकते हो या कोई ह्यूज ऑब्लिगेशन को भी यू नो मीट कर सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि आप कंसिस्टेंट थे अपने एफर्ट्स में, आपने कंसिस्टेंटली हर महीने वो 1,000-1,000 रुपए जमा किए थे, सो दैट इज वाई वो चीज हो पा रही है, दैट इज वाई वो चीज हो पा रही है, राइट? अगर आप डेली बेसिस में कमिटेड होना सर मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, है ना, और डेली बेसिस में कंसिस्टेंटली आप उस एफर्ट्स को अप्लाई कर रहे हो विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट्स, तो आप देखोगे कि आपका सक्सेस गारंटीड है, गारंटीड है, कोई आपको रोक नहीं सकता। एक दिन आप 20 घंटे पढ़ लेते हो, दूसरे दिन आप 4 घंटा पढ़ लेते हो, 3 घंटा पढ़ लेते हो, दैट इज नॉट गोइंग टू गारंटी यू दैट सक्सेस। बट अगर आप कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स को अप्लाई कर रहे हो फॉर ए यू नो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप देखोगे कि डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं सर, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इज द की माय फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है फोकस, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। कि जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, बट जो भी टैलेंट आपके पास है, जो भी एफर्ट्स आप लगा सकते हैं, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली लगाते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अप्लाइंग योर थिंकिंग फॉर द रिजल्ट, तो डेफिनेटली आपको सर वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, है ना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस कंसिस्टेंटली उन एफर्ट्स को अप्लाई करते जाना है बिना रिजल्ट्स की चिंता किए। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। फॉर एग्जाम्पल द क्वालिटी ऑफ इंटेग्रिटी। तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे डिफिकल्टीज आपको मिलेंगी, बहुत सारे चैलेंजिंग पाथ्स आपको मिलेंगे, बट आपको इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। उस चीज का फ्रूट, उस चीज का रिजल्ट आपको एक दिन जरूर मिलेगा जब लोग कहेंगे कि भाई ये बहुत ईमानदार आदमी है। वो एक दिन में वो क्वालिटी डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है ना, एक दिन में वो क्वालिटी डेवलप नहीं हो सकता। अगर आपने अपने फूडिंग हैबिट्स में काम करना है सर, तो कंसिस्टेंटली काम करना है, डेली बेसिस में काम करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, तो एक दिन वो रिजल्ट मिलेगा कि आपको फील होगा यार कि यू नो मेरा जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा है। आप डेली बेसिस में एकदम कमिटेड हो जाएंगे और डेली बेसिस में आप टेस्ट देना चालू करेंगे, एक टेस्ट आने डेली बेसिस देंगे, लगातार देंगे, 6 महीने तक देंगे, तो आप देखोगे आपने गलतियां करना टोटली बंद कर दी हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट थे अपने एफर्ट्स के साथ, यू वेयर कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, यानी डेली बेसिस स्टार्ट करेंगे, कंसिस्टेंटली स्टार्ट करेंगे, चाहे दिन का 10 मिनट मेडिटेशन को देने लगेंगे, तो आप देखोगे कि यार 6 महीने में आपका जो माइंड है बहुत पावरफुल बन गया है, एंड दैट इज एक्चुअली एबल टू कम्पीट विद द शार्पेस्ट ऑफ माइंड्स। वो भी कैसे हो पा रही है, वो भी इसलिए हो पा रही है क्योंकि आप कंसिस्टेंट थे अपने एफर्ट्स के साथ, यू वेयर कंसिस्टेंट विथ योर एफर्ट्स। दुनिया के अंदर बहुत सारे मिसालें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने जो सक्सेस अचीव किया है वो सिर्फ इसलिए अचीव किया है क्योंकि दे वेर यू नो कंसिस्टेंट विद देयर एफर्ट्स, दे वेर कंसिस्टेंट विद देयर एफर्ट्स। डेली बेसिस में उन लोगों ने अपना गोल फिक्स कर रखा होता था, डेली बेसिस में उन लोगों ने अपना टारगेट फिक्स कर रखा होता था, एंड बिना रिजल्ट की चिंता किए, बिना फेलियर्स की चिंता किए, वो बस डेली बेसिस में कंसिस्टेंटली क्या करते थे, अपने एफर्ट्स को पूरी शिद्दत के साथ अप्लाई करते थे, एंड आज वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बिना रिजल्ट्स की चिंता किए आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली काम करना है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली अपने उस गोल के ऊपर फोकस करना है, एंड यू नो बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने गोल की तरफ आपको समर्पित रहना है।
जस्ट बी कंसिस्टेंट। दिस इज वन क्वालिटी माई फ्रेंड्स, कि अगर आज आपने अपने दिमाग में डिटरमाइन कर लिया ना, आज आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया ना कि मैं आज से अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा, आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये जो एक क्वालिटी है ना कंसिस्टेंसी, ये आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। आज आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आज आप लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बट बिलीव मी, आज से 2 साल तक बस कंसिस्टेंट हो जाओ अपने एफर्ट्स के साथ इन एवरीथिंग, एंड यू विल सी दैट देयर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ एंड यू हैव अचीव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। सो माई फ्रेंड्स, बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, राइट?